तो सबसे पहले गोरे गोरे मुगड़त काला काला चश्मा करिश्मा खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुगड़त काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुगड़त काला काला चश्मा। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, माय नेम इज़ सब्बीर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपनी फ़ोटो या पिक्चर पर टैग्स लगा सकते हो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। जी हाँ, इस वीडियो के जरिए हम आपको वही बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मेरी इस डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली जाके इस लिंक पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वरना आप डायरेक्ट चला जाइए प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर जाके आप यहाँ पे सिंपली सर्च कीजिए PICLAB, सिंपली पिक्सलैब लिख के आप जब सर्च करोगे तो आपका सामने बहुत सारा एप्लीकेशन आ जाता है, लेकिन आपको सिर्फ वही डाउनलोड करना है पिक्सलैब टैग्स एंड पिक्चर, सिंपली आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए या मेरे डिस्क्रिप्शन पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपको उसको इंस्टॉल जहाँ पे करना है यहाँ पे लिया जाएगा, आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए, मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ, अब सिंपली ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपका सामने इस तरह की इंटरफेस आ जाता है, आपको यहाँ पे क्या करना है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रहेगा। आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे आपको आपका पिक्चर इनपुट करना है तो आप लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर पर आप देख सकते हो एक प्लस का आइकन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे स्टिकर, यहाँ पे गैलरी है, यहाँ पे ड्रॉ कर सकता है। तो मैं सिंपली मैं फ्रॉम गैलरी पर जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं एक यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ, मैं मेरा पहले से बहुत ज़्यादा पिक्चर यहाँ पे है तो मैं एक ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरा जो पिक्चर है मैं आपको दिखाने के लिए वही ले लूँगा, तो सिंपली मैंने देखिए यह पिक्चर लिया है, तो सिंपली ओके पर क्लिक किया। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 720 पर इस साइज़ को कन्वर्ट करिए। तो कैसे आपको कन्वर्ट करना है, सिंपली यहाँ राइट साइड पर आप देख सकते हो एक तीन डॉट सा आइकन है, उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे इमेज रिसाइज पर चला जाइए। तो यहाँ पे देखिए कस्टम है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आप यूट्यूब थंबनेल लिखा आ रहा है, या आप पिक्चर, आप फेसबुक कवर आर्ट बना सकते हो, गूगल प्लस कवर आर्ट बना सकते हो, ट्विटर हीडर, या बहुत सारा तरह तरह की है, आपको अगर जो भी बनाना है आप उस पर सिलेक्ट कीजिए, लेकिन मेरे को बनाना है यूट्यूब थंबनेल, या मेरे को 720 पर ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब थंबनेल पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 1280720, तो सिंपली मैं ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, मेरा जो पिक्चर है उसको थोड़ा मैं रिसाइज करूँगा ताकि ये बिल्कुल देखने में बहुत गंदा आ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए उसका छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे एक स्टिक दिया हुआ है, तो सिंपली आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये बड़ा होते जाएगा। तो उस पिक्चर का ऊपर अगर आपका उंगली रखोगे तो ये आप मूव कर सकते हो, लेफ़्ट राइट ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको और थोड़ा बड़ा करूँगा क्योंकि प्रॉपरली मेरा जो साइज़ दिया हुआ है उसका अंदर आए और दिखने में अच्छा लगे, तो सिंपली उसको और थोड़ा बड़ा कर दूँगा। तो ये देखिए ये आ गया, बस उसको मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा। तो सेव आज इमेज पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ तक ये सेव टू गैलरी पर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये एक था आपको कैसे इनपुट करना है इस पिक्सलैब का अंदर, आपने तो सीख लिया होगा। अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको टैग्स वगैरह लगाना है और किस तरह से आप प्रोफेशनल टैग्स भी इस एप्लीकेशन की मदद से आप लगा सकते हो, तो चलिए वो भी देख लेते हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, फिर से पिक्सलैब ओपन करूँगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पिक्सलैब को ओपन करूँगा, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे टैक्स वगैरह आ रहा है, मैं उसको डिलीट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ राइट साइड कॉर्नर पर देख रहे हैं तीन डॉट, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, डायरेक्ट में गैलरी से वो जो फ़ोटो सेव करा है वही फ़ोटो यहाँ पे लाऊँगा। तो देखिए ये मैंने लाया है, तो
तो फिर जो भी साइज है वो मैं रहने देता हूँ, क्योंकि वही साइज है 720 वाला। तो जस्ट ओके पर क्लिक करता हूँ। तो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप उस पर कैसे टैक्स लिखोगे। तो ये बहुत बढ़िया सा वीडियो होने वाला है, प्लीज़ एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आप बहुत सारा एप्लीकेशन देखा है, बहुत सारा टैक्स भी लिखा है, लेकिन इसकी तरह आपको टैक्स या एप्लीकेशन किधर भी नहीं मिलेगा। अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए या आपका टैक्स लगाने के लिए ये मैं नंबर पूरा 5 स्टार दूंगा उसको। तो सिंपली आपको क्या करना है, उस ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके आप टैक्स पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप टैक्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए यह टैक्स आ जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है। तो लिखने के लिए आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हो, डबल क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए नाउ टैक्स, उसको मैं क्या करूँगा रिमूव कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा माई फोटो PHOTO। तो सिंपली माय फ़ोटो लिख के मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे माय फ़ोटो लिख का आ रहा है, लेकिन अभी आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ तो आपको चौंकाने वाला चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, तो रुकिए। तो सिंपली यहाँ पे माय फ़ोटो आप देख रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँगा मेरे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा, यहाँ पे नीचे एक ए आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको कलर वगैरह चेंज करना है, तो सिंपली इस कलर पर आप कलर आइकन पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे बहुत सारा तरह तरह की कलर है, आप जो भी देना है आप उस कलर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं तो येलो सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा येलो बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे देखिए मैं येलो को सिलेक्ट कर लिया। उसका बाद क्या करना है मेरे को सिंपली स्टॉक देना है। स्टॉक देने के बाद मेरा जो ये टैक्स है प्रोफेशनल तरीके से लगेगा, उसको और भी मतलब देखने में और जोश लगेगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, स्टॉक पर जाऊँगा, स्टॉक मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं ब्लैक ले लूँगा। ठीक है, ये स्टॉक हो गया। देखिए अभी फ़ोटो का जो टैक्स है वो कैसा दिखा रहा है। तो सिंपली मैं फिर से वही फ़ोटो पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा इनर शो, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए ये और भी प्रोफेशनल तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारा कलर है, आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हो। तो टार्ट में मैं जाऊँगा 3D टैक्स, उस पर क्लिक किया तो देखिए ये 3D की टैक्स को मैंने ओपन कर दिया। अपने हिसाब से जितना भी आप 3D रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी फीचर मिलने वाला है। देखिए अगर इस टैक्स को मतलब 3D ही तरह दिखाना है तो देखिए इसको ऐसे करोगी तो ये 3D हो रहा है, अगर लेफ़्ट करोगी तो इस तरह से इसमें ये फीचर दिया जाता है। तो सिंपली आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो लेफ़्ट साइड राइट या लेफ़्ट जा रहा है। तो अभी आपने देखा है कैसे मैंने मेरा फ़ोटो का ऊपर ये जो टैक्स है वो 3D आकार से मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया। अभी दूसरा टैक्स लूँगा, तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा टैक्स है, तो दूसरा टैक्स लूँगा माई फ़ोटो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, प्लीज़ SUBS सब्सक्राइब टू माई चैनल CHANNEL। तो देखिए ये वही टैक्स में यहाँ पे अच्छी तरह से लिख लूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसके बाद टू माई चैनल। तो ये टैक्स यहाँ पे मैं अभी लगाने वाला हूँ, तो अपने हिसाब से आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, जो भी आपका मतलब सूटेबल हो तो ऐसे आप लगा सकते हो। देखिए मैं अभी लगा रहा हूँ, तो सिंपली जब वो यहाँ से बहुत दूर जाता है तो आप यहाँ पे एक आइकन देख रहे हैं, उस पर क्लिक करोगे तो फिर ये जैसे पहले था ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो ये व्हाइट कलर है, मैं चाहता हूँ उसको सिर्फ स्टॉक लगाना है। ओके, यहाँ पे देखिए अगर आप बैकग्राउंड देना चाहते हो तो बैकग्राउंड पर क्लिक करके आप उसको मतलब आप ब्लैक या वाइट तरह तरह की बैकग्राउंड है, आप जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो। लेकिन मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड अभी नहीं दूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को लिखना है, मेरे को मतलब ये स्टॉक देना है ब्लैक कलर का। तो ये देखिए ब्लैक नहीं, इस बार मैं येलो दूँगा क्योंकि ये वाइट है। तो ये देखिए मैंने येलो दे दिया, तो ये देखने में और भी जोश लग रहा है। तो अभी फिर से मैं क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा ओपेसिटी उसका थोड़ा कम करूँगा ताकि मेरा जो बैकग्राउंड है उससे पूरा सूट होए। तो अभी मैं क्या करूँगा, फिर से 3D पर जाऊँगा। जैसे 3D ओपन किया तो आप देख सकते हो माय फ़ोटो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको दिखाने के लिए ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, आप प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखिए, ये था आज की ट्यूटोरियल, आप कैसे प्रोफेशनल तरीके से आपका फ़ोटो का अंदर अपना टेक्स्ट लगा सकते हो, वो भी दिखने वाली, मतलब चौंका देने वाली। तो अभी इस फोटो को मैं सेव करूंगा, तो देखिए यहाँ सेव एमएस पर क्लिक किया, बस सेव टू गैलरी, डायरेक्ट ये गैलरी पर सेव हो गया। तो देखिए मैं डायरेक्ट गैलरी पर जाके आपको बता देता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट वाला फ़ोटो है वह अभी कैसा दिख रहा है। तो एल्बम पर गया और रिसेंटली जो मैंने फ़ोटो पर टैक्स लगाए हो वो आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो पहले का देखिए यह था, ठीक है, उसका बाद देखिए यह है। तो माय फोटो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप कि ये वीडियो में आपको सीखने को मिला है कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी फ़ोटो का अंदर आपका टैक्स वगैरह कैसे लगाओगे और उसको देखने में और भी जोश लगे। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको इतना भी आ गया कि आपको कैसे टैक्स वगैरह लगाना है और आपको कैसा फ़ोटो का अंदर टैक्स लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड इस वीडियो के जरिए आपको एक से कितरी की तरह आपको सीखने को मिला है। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि अपना भाई है। तो आप लोग जितने सारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए इस वीडियो आपको कैसा लगा। और एक वीडियो में आपको फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।